पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है उस पर मोदी जी आए थे, वो उसका उद्घाटन किए थे। ये यहाँ जहाँ से एक्सप्रेसवे ख़त्म हो रहा है वहाँ पर ये आकर के अपना विजय यात्रा निकाले और वहाँ पर ये जो अंसारी बंधुओं को टिकट दे करके अपना यहाँ पर जिस तरह का काम 2005 में जिस तरह मुख्तार जैसे व्यक्ति ने हत्या किया था विधायक जी का, उस समय 7 लोगों की हत्या हुई थी, उसी जगह से अखिलेश जी ने विजय यात्रा निकाला, उन लोगों को टिकट दिया। हम जानते हैं कि ये लोग हमेशा राजनीतिक संरक्षण लेकर के ही अपना काम किए हैं। उस समय सपा में रहकर सपा के कंधे पर रखकर के बंदूक चलाए, सपा छोड़कर फिर बसपा में गए, फिर कौमी एकता अपनी बनाई। ये लोग राजनीतिक संरक्षण देकर के अपना काम करते हैं, क्षेत्र का विकास का काम तो ये नहीं किए हैं, बाकी क्षेत्र में विनाश का काम ज़्यादा किए हैं। माँ बहनों को विधवा बनाना, बच्चों को अनाथ बना देना, इनका यही धंधा था। तो मैं कहना चाहूँगी, मैं अपने हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी जी, जिस तरह आज अपराधियों पर नकेल कसे हुए हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे कि आज अपराधी की तो जेल के अंदर है, नहीं तो ऊपर चले गए हैं। तो ये योगी जी की देन है, भाजपा सरकार की देन है कि इस तरह का काम पूरा देश में हुआ है, प्रदेश में हुआ है, और आज हमारा प्रदेश, हमारा क्षेत्र अमन चैन से रह रहा है। कोई गुंडा टैक्स नहीं वसूला जाता है, ना कोई गुंडागर्दी चलती है। जब से मैं विधायक अपने क्षेत्र की बनी हूँ तब से मैं आपको बात बताना चाह रही हूँ जी। अखिलेश जी जो सब सपना सचाए हैं वो सपना हमको लगता है कि सफल नहीं होगा, क्योंकि जनता समझ रही है कि आज भाजपा की सरकार है, योगी जी की सरकार है, और मेरे क्षेत्र की विधायक अलका राय हैं, जो कि हम लोगों के जो भी सुख और दुख में, जो भी मेरी बात है, चाहे अंसारी बंधुओं को सामने खड़ा होकर के बोलने का है, चाहे उनके खिलाफ़ बोलने का है, हम ही बोल सकते हैं, हमारा परिवार बोल सकता है, दूसरा कोई नहीं बोल सकता है।